दोस्तों क्या हालचाल है, वेलकम करता हूँ मेरे YouTube चैनल पे गाइस। तो ऐसी बात है कि अभी तो वीकेंड है आज, तो अभी कुछ प्लान है नहीं कहाँ जा रहे हैं क्या करना है, बट एक ब्लॉग तो आपके लिए लाना है। तो एक रैंडमली कोई प्लेस देखते हैं, अभी घर से निकलते हैं तो उसके बाद जहाँ पे आपको जाएंगे तो वो आप वीडियो देखना। बाकी अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और वीडियो को शेयर करो, तो बने रहिए। दोस्तों हमने डिसाइड किया है कि अभी हम जाएंगे तो बिग बुल टेम्पल, जो नंदी भगवान की बहुत बड़ी मूर्ति है वहाँ पे, साथ में डोडा गणपति भगवान का भी टेम्पल वहीं पे है। तो बने रहिएगा वीडियो में और देखते रहिए रितेश चौधरी ब्लॉग्स। दोस्तों मेरे राइट साइड में आप देख सकते हो कि ये है कर्नाटका का विधानसभा भवन, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही रॉयल लग रहा है। तो गाइस मैं पहुंच चुका हूं डोडा गणपति टेंपल और द बिग बुल टेंपल, दोनों एक ही में है। जो अभी टाइम हो रहा है 5 बज रहे हैं, तो अराउंड 5:30 के अराउंड वो खुलेगा। अभी तो द बिग गणपति टेंपल बंद है, डोडा टेंपल खुला हुआ है, तो वहाँ मैं पूरा टूर देता हूँ, तो बने रहिएगा देखते रहिए देश और विदेश। आप देख सकते हैं मंदिर का गेट है द बिग बुल टेम्पल का। यहाँ पे दो भगवान है, एक गणपति जी का मंदिर है द डोडा टेम्पल जो है, और एक नंदी भगवान का मंदिर है। तो यहाँ के जो नंदी भगवान है वो फेमस इसलिए है कि द बिग बुल है, मतलब बहुत ही बड़ा उनका साइज है, मतलब इंडिया में कह लो कि सबसे बड़ा बिग बुल टेम्पल यही पर। तो ये वाला गणपति टेम्पल है डोडा गणपति टेम्पल, यह अभी हाफ एन आवर में खुलेगा। और ये आप ऊपर जा रहे हैं द बिग बुल टेम्पल जो नंदी भगवान का मंदिर है। मौसम बहुत अच्छा हुआ है दोस्तों, आज हल्की हल्की बारिश भी हुई रास्ते में जब हम आ रहे थे, तो बट मौसम बहुत सुंदर है। तो सोचा कि आज संडे का दिन भी है और बहुत दिनों के भगवान के दर्शन किए हुए, जब से बैंगलोर आया तो भगवान का दर्शन नहीं किया, तो सोचा कि चल के मंदिर में भगवान का दर्शन कर ले, तो इसलिए आ भी गए भगवान के चरण में। और नंदी भगवान जो शिव जी के मैसेंजर हैं, जो बात पहुँचाते हैं, तो उनके पास आ गए। ऐसे सीढ़ी चढ़ के आना पड़ता है आपको, ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं हैं, 50 से 100 सीढ़ियाँ होंगी। तो मंदिर पहुँच गए, मैं आपको दिखाता हूँ मंदिर, देखिए कैसा दिख रहा है। लोग ऊपर तक गाड़ी लेके आ गए, मैं नीचे ही गाड़ी लगा दी। प्रसाद का सीन तो यहाँ कुछ दिख नहीं रहा है, खिलौने वगैरह बिक रहे हैं। शायद अंदर मिले प्रसाद, एंट्रेंस है मंदिर का। शूज यहीं पे ओपन करना है ना, शूज यहीं पे ओपन करना है, जूता यहीं पर। प्रसाद वगैरह कहाँ मिलता है? प्रसाद प्रसाद हाँ नहीं, 5:30 को गणेशा बोलते हैं, वहाँ से लेके आने का, गणेशा मंदिर से लेके आने का। प्रसाद नहीं मिलता है इधर, अलाव नहीं, उधर देता है गणेशा मंदिर। अब एक आधा वर्ग खोलते हो, ठीक है, पूरा पूरा। तो यहाँ 5:30 यहाँ प्रसाद का भी सीन तो है नहीं, प्रसाद नीचे से लेके आना है, 5:30 का राउंड खुलेगा। तो दोस्तों ये मंदिर का एंट्रेंस देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। दोस्तों मेरे पीछे आपने मंदिर तो देख लिया, भगवान के भी दर्शन कर लिए, तो मैं इसके बारे में कुछ बातें आपको बता दूं। इस जो मंदिर का निर्माण हुआ था वो 1537 में हुआ था, यहाँ के जो राजा थे केम्पा घोड़ा उनके द्वारा। और आप जो इनिशियली जब मूर्ति बनी थी तो उस समय इस मूर्ति का कलर सिल्वर था, बाद में इसको यहाँ के जो लोग थे, यहाँ के ग्रामीण थे, उन्होंने चारकोल यानी कोयला से इसको रगड़ रगड़ के और पेंट करके ब्लैक कर दिया। और ये भी मान्यता है, अगर आपने गौर से देखा होगा तो नंदी भगवान के सिर पे एक लोहे का ऐसा त्रिशूल तरीके का है, तो ये कहा जाता है कि नंदी भगवान का जो साइज था वो बढ़ते चला जा रहा था, तो शिव जी ने वहाँ पे लोहे का वो त्रिशूल रख दिया कि उनका जो साइज़ है वो बढ़े नहीं। मैं बता दूँ कि जो नंदी भगवान का आपने मूर्ति देखा, इसकी जो हाइट है वो 4.6 मीटर है और जो इसकी लंबाई है वो 6.1 मीटर है, जो कि
प्राचीन मूर्ति नंदी भगवान की मूर्ति अगर देखोगे तो उसमें सबसे बड़ी है। मंदिर ओपन हो गया दोस्तों, देखिए मंदिर ओपन होते ही भीड़ भी आ गई है लोगों की। बहुत ही प्राचीन मंदिर है, प्रसाद की दुकान, फूल बहुत मिलेंगे आपको साउथ में अगर आप आते हो तो, फूल बहुत मिलेंगे। ये गणपति बापा को चढ़ता है और ये नारियल, ये फूल। डोडा गणपति जी को भी दर्शन हो गए, मोबाइल तो अंदर अलाउ नहीं किया पंडित जी ने, दो चार सेकंड का मैंने क्लिप दिया तो पंडित जी बोलते मोबाइल अंदर रख लो अंदर रख लो, इसलिए मैंने ज़्यादा क्लिप नहीं ले पाया। मेरे पीछे आप देखिए मंदिर है और भीड़ भी आ चुकी है, भीड़ भी पूरा। और ये देखिए अगर अब मैं आपको और दिखाऊँ तो साइड में भी अलग अलग भगवान की मूर्तियाँ हैं। ये देखिए नाम भगवान का, बहुत सारे भगवान के, क्या आप देखो पीछे मेरे, तो यहाँ पे अलग अलग भगवान की मंदिर थे, नंदी हैं, गणेश भगवान हैं, शिव जी की है और सूर्य भगवान की मंदिर भी है, नवग्रह भगवान के। यहाँ तो बहुत सारे भगवान के, सारे भगवान के यहाँ पे मंदिर है। दर्शन हो गए, सब भगवान के दर्शन किए, कहीं कहीं कैमरा अलाउड था, कहीं कहीं कैमरा अलाउड नहीं था, बट मैंने कोशिश किया जितना मैं कैप्चर करके आपको दिखा सकता दिखा दिया। होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए रितेश चौधरी ब्लॉग। तो दोस्तों अभी जर्नी ख़त्म नहीं हुई है, मैं अभी आया हूँ विद्यार्थी भवन पे, जो यहाँ का साउथ इंडियन का मतलब बैंगलोर और कर्नाटका में बहुत ही पॉपुलर रेस्टोरेंट है विद्यार्थी भवन, 1943 से इस्टेब्लिश्ड है और वहीं पे मैं आया हूँ, तो वहाँ पे अभी वेटिंग है, मैं दिखाता हूँ आपको, देख सकते हैं विद्यार्थी भवन वेटिंग है अभी आधे घंटे के 20 मिनट के आसपास, देख सकते हैं सब वेटिंग में खड़े, सबको अपना टोकन नंबर मिला है और जब वो टोकन अनाउंस करेगा तब जाना है। तो अभी हमारा जो टोकन है वो अराउंड 6:40 आने वाला है, तो तब तक हम अगल बगल में घूमते हैं। देख सकते हैं फ्लावर मार्केट भी है मेरे पीछे, बहुत सारे फ्लावर मार्केट। तो अंदर आ चुके हो, अभी भीड़ है, कम से कम 1 घंटा वेट करना पड़ा, 6-7 बजे तक तब हमारे नंबर आई। और अगर आप मैं भीड़ दिखाता हूँ अभी आप देखिए, इसी पर डोसा भी, इसी पर चटनी में पूरा मोटा मोटा डोसा है, देखिए आप देख सकते हो कितना भीड़ था, खाना वाना हो गया है, अब निकलते हैं घर के लिए और फिर मिलते हैं आपको घर पे डायरेक्टली। सो हाय गाइस, मैं घर पहुंच चुका हूं, होप आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया हो, अगर वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, ना पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए, कौन सा पार्ट अगर पसंद आया तो कौन सा पार्ट पसंद आया उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज एंड प्लीज सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इस पर वीडियोज आते रहेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।